नमस्ते, दिस इज पूजा। इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत है। इस फ्राइडे की डिश है एक बंगाली कुजीन, रॉयल डेजर्ट रसमलाई। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था, क्योंकि एक तो ये मेरी फेवरेट डेजर्ट है और इसको हमसे शेयर किया है एक 10th क्लास के स्टूडेंट मिस्टर आदित्य ने। ये काफ़ी कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और लॉकडाउन में इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी बढ़ गया। तो बस जल्दी से आइए, स्टार्ट करते हैं। तो ये डिश 4 स्टेप्स में बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे छेना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर मिलाएंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से फट ना जाए। ये दूध अच्छे से फट गया है, अब इस गैस बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। अब ये इसको कॉटन क्लॉथ में छान लेंगे। और इसको निचोड़ लेंगे थोड़ा सा। इसे थोड़ा ठंडे पानी से धो लेंगे जिससे कि विनेगर की स्मेल इसमें से निकल जाए। और इसको थोड़ा निचोड़ देंगे। और अब मैं इसको थोड़ा टांग रही हूँ जिससे कि इसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए। अब सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे रस। और इसके लिए एक पैन में मैंने ये 750 ml मिल्क लिया है और इसको बॉईल कर लिया। इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें 4 से 5 कटे हुए बादाम, 4-5 ही कटे हुए पिस्ता, 2 टीस्पून इलायची पाउडर और 10 के करीब ये सब के स्टैंड्स डालेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। अब इसको 2 फ्लेम पर ही तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाएगा। और बीच बीच में इसको हर 10 मिनट पर इसको चलाते रहेंगे। अब जब तक ये हमारा रस बन रहा है, हम 3rd स्टेप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम छेना टिक्की बनाएंगे। अब ये छेने को निकाल कर, कपड़े से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और इसको पाम से अच्छे से मैश करेंगे। जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे। बीच बीच में वो रस को चलाना मत भूलिएगा, उसको बराबर चलाते रहना है हर 10 मिनट पर। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और थोड़ा सा मिक्स, इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स अच्छे से। कॉर्नफ्लोर से ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब इसकी छोटी बॉल्स बनाएंगे, यानी कि छेना टिक्की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद ये डबल हो जाएगा। और अब फाइनल स्टेप, यानी कि स्टेप 4, इसमें हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में 750 ml पानी डालेंगे उसमें ऐड करेंगे 3/4 कप
चीनी और इसको बॉईल करेंगे। अब ये पानी में उबाल आ गया है, अब एक एक करके छीना टिक्की इसमें डालेंगे। इसको हाई फ्लेम पर ही रखना है। और मेक श्योर कि ये बबल्स इसमें ख़त्म नहीं होने चाहिए। दो मिनट हो गए हैं, अब दो मिनट हो गए, अब इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर ही। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको देखते हैं। वाह, देखिए कैसे डबल हो गई है ये। इस चाशनी को आप ठंडा करके फिर बॉटल में भर लीजिएगा, फ्रिज में रख ले तो ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। इसको एक दो महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और हलवा या कोई भी और स्वीट डिश बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा रस भी रेडी है। एक एक करके ये इसमें डाल देंगे। और ये 3-4 घंटे के बाद ये खाने के लिए रेडी होगी। तो जितनी भी ये टिक्की है ये अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर आप इसको ठंडा करके खाना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रख लें। 3 घंटे हो गए हैं, चिल्ड रसमलाई रेडी है डिनर के लिए। सो एंजॉय। उम्मीद है आपको ये स्टेप्स में रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्राइडे को एक और आप ही की अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।